हमीरपुर 20 रुपए के लिए मौरम खदान पर मारी गोली, ड्राइवर की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुखिया अपराध रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपराधी कानून की धज्जियां उड़ाने से जरा भी नहीं चुकते। ताजा मामला हमीरपुर जिले के थाना सिसलोर के भूसी खदान का है, जहां पट्टाधारक के गुर्गों ने राइफल से ड्राइवर को भोंक दिया। बुंदेलखंड में मौरम खदानों में आए दिन ये हादसे होना आम बात हो चुकी है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के बुखली खदान का है, जहां एक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर मौरम लेने गया था। मौरम लेने के बाद ड्राइवर के पास लेबर को देने के लिए 20 रुपए कम पड़ गए, लेकिन वहां मौजूद पट्टाधारक के गरन को ये बात गवारा नहीं हुई। 20 रुपए न देने पर गरन ने राइफल से ट्रक ड्राइवर अरुण को गोलियों से झंडी कर डाला, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की मौत के बाद लोगों ने खदान में जमकर हंगामा काटा। बुंदेलखंड में सैकड़ों की तादाद में भी है खदानों में पट्टाधारकों की दबंगाई चरम सीमा पर है। आए दिन खदानों में हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन पट्टाधारक पर कार्रवाई क्या करती है, या इन मामलों की कहां लीपापोती कर इसे भी खत्म कर दिया जाता है। हमारे ड्राइवर का नाम है अरुण और भूसी खदान गए थे मौरंग लेने। वहाँ से भूसी खदान 3 नंबर में गए थे मौरंग लेने। वहाँ से मौरंग लेके ऊपर चढ़ के आए थे और ऊपर लेबरों से बराबर हुई थी। लेबरों से बराबर होकर के लेबरों 50 रुपये मांग रहे थे, उनको मैंने 30 रुपये दिए थे। उसके बाद छुट्टे नहीं थे और उन्होंने बोला, दो लोग बैठे थे, उन्होंने एक लोग बोले कि जो टोकन चाहते हैं, वो बोले कि जब इनके पास पैसे नहीं है तो इनके गोली मार दो। उसने आया और गनर ने गोली मार दी। सर, एक खदान में गोली चलने का मामला है, क्या मामला है? थाना सिसोनर में गोसी में खदान है, इसका संख्या 3। यहाँ रात्रि 4 बजे यूपीएम पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को, जो ट्रक ड्राइवर है, उसको खदान से ही किसी कर्मचारी के द्वारा गोली मार दी गई है। इसी की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहाँ जांच किया गया तो यह पाया गया कि जो ट्रक था वो लोड होकर जब जाते हैं तो इनको ये लेबलिंग करते हैं ऊपर से, और उसी लेबलिंग की कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर की और वहाँ पे जो उपस्थित कर्मचारी थे उनके किसी बात को लेकर बहस हो गया। उसी में से जो एक गार्ड था उसके द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें इनको गोली लगी और इनकी मौके पर मौत हो गई। इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ अन्य कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई कराई जा रही है। और जो खदान संचालक है उनके मैनेजर और इनको करीब 8-7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जल्दी जो व्यक्ति था जो कि मौके से फरार है, जिसने घटना किया है, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति था और कौन से असले से उसने गोली चलाई थी, इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर वो लाइसेंस से असला है तो उसको जमा कराया जाएगा, लाइसेंस लेस